तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पासा कब तक मिलेगा और जो है अब किन किन किसानों को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बता दें, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन किए हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों का अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो करना क्या होगा, किसी ब्राउजर को ओपन करना है, सर्च बार दिखेगा, सर्च बार में पीएम किसान लिख के सर्च करना है, सबसे ऊपर में लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के जस्ट बाद दोस्तों यहां पर अपना स्टेटस चेक कर लेना है। स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के जस्ट बाद दोस्तों यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डाल देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, कैप्चे को सही से इस बॉक्स में फिल कर देना है, गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल के आप वेरीफाई करेंगे। जैसे ओटीपी वेरीफाई करेंगे दोस्तों आपका जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास इतना सारा कुछ नहीं है, मान लो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर जाने के लिए नाउ और रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो आपको जो है अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। तो अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालेंगे इस बॉक्स में, बॉक्स में डालने के बाद दोस्तों यहां पर जो है कैप्चा को फिल करेंगे, गेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और जैसे ओटीपी आएगा दोस्तों आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करते हैं और यहाँ पर कैप्चा को सही से फिल करते हैं, गेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। चलिए फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है देखा कि हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो एफटीओ प्रोसीड है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अपना जो स्टेटस चेक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर नो भी हो सकता है, यस भी हो सकता है। यस होगा तो दोस्तों आप लोगों को 101% इस बार जो है 17वीं इंस्टॉलमेंट के तहत पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर 17वीं इंस्टॉलमेंट का नहीं है, इनका जो है 13वां इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है। यहाँ से 13वां इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है और इनका जो एफटीओ प्रोसीड है यहाँ पर यस करके लिखा है, यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल स्टेट, अप्रूवल बाई स्टेट करके लिखा होगा। तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो है रीजन ऑफ फाइल्डेस रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एफटीओ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, खाली पेमेंट मोड यहाँ पर आधार इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं, आपको इस बार पैसा 101% मिलेगा। लेकिन दोस्तों यही जो है चीज़ यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिले, जिससे दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाए, यहाँ पर जो है यहाँ 14 स्टॉलमेंट देखते हैं तो यहाँ पर एफटीओ प्रोसीड नो लिख के आ रहा है और पेमेंट स्टेटस खाली दिख रहा है, यहाँ पर जो है नॉट एलिजिबल करके देखने को मिल जा रहा है। तो हो सकता है आपका अभी जो है एफटीओ प्रोसीड जो है अभी नहीं बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी तरह से दिख रहा है, तो एक से दो दिन बचा हुआ है और जो है यहाँ पर 18 तारीख को आप सभी लोगों को पता है 18 तारीख को पेमेंट डालने वाला है पीएम किसान का पैसा जो है 18 जून को डालने वाला, आप सभी लोगों को पता है, इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलेगा या दोस्तों इस प्रकार से और देखने को मिलेगा, सभी आपका जो है इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा, इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा, इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा, एफटीओ प्रोसेस नो लिख के आ रहा है, पेमेंट स्टेटस खाली दिखा रहा है, नॉट एलिजिबल दिखा रहा है, पेमेंट आधार दिखा रहा है। तो आपको हो सकता है इस बार पैसा ना मिले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेटस में यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है यहाँ पर लैंड स्टडिंग की समस्या है, वो यस है या नहीं है। नो होगा तो दोस्तों 101% पैसा नहीं मिलेगा। केवाईसी नहीं हुआ तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर बैंक आधार बैंक अकाउंट सेटिंग यहाँ पर यस होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये सारा चीज़ आपको देख लेना है, देखने के बाद ही आपको जो है सारी जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये आपको एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप पैसा की बात की जाए, पैसा कब मिलेगा, तो पैसा जो है दोस्तों आप चलिए होम पेज पर चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने होम पेज आ गया, होम पेज पे आने के बाद दोस्तों इधर देखेंगे हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल साइड है। ऑफिशियल साइड पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, थोड़े से स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर विल यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ इसको मैं एक बार क्या करूँगा, इसको जो है आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लाल अक्षर में लिख के देखने को मिल जाता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर 17वां इंस्टॉलमेंट यहाँ बताया गया है और पीएम किसान जो है यहाँ पर जो है पीएम किसान का पैसा जो है 18 जून को यहाँ पर 18 जून को 2024 को डाला जाएगा, ऐसा करके यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये डेट जो है यहाँ पर फिक्स हो गई है कि 18 जून को आप सभी के खाते में, जहाँ जितने भी किसान हैं जो पात्र किसान हैं जिनको जो है यहाँ पर मैंने बताया था, ये अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा, स्टेटस में आपका सही है, सब कुछ सही है, तो 18 जून को आपको 101% दोस्तों 2000 रुपये का किस्त जो है यहाँ पर डाला जाएगा। 2000 रुपये किस्त पाने के लिए दोस्तों बहुत सारे
लोग जो है यहाँ पर जो है अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। तो दोस्तों आप लोग को करना क्या होगा, स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर सर्वर की प्रॉब्लम चल रही है, तो सर्वर की प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। या दोस्तों आपके पास जो है मोबाइल नंबर नहीं है, ओटीपी नहीं आ रहा है, तो ओटीपी नहीं आ रहा है दोस्तों आप लोग जो है ब्लॉक चले जाइएगा। ब्लॉक में आप जो है अपना मोबाइल नंबर, ब्लॉक में जो है किसी अधिकारी के पास जो है दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, तो अगर आपका पुराना मोबाइल नंबर खो गया है तो ठीक है दोस्तों, अगर मोबाइल नंबर है तो दिक्कत वाली बात नहीं, अपना स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। फिलहाल मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया किन लोगों को पैसा मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा और कब मिलेगा पैसा। तो बता दोस्तों 18 जून को आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जो है यहाँ पर डाला जाएगा, यहाँ पर बताया गया साफ साफ, ठीक है। यहाँ पर 17वां इंस्टॉलमेंट 18 जून को डाला जाएगा। तो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, तमाम दोस्तों का शेयर करना, अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सलामत।